हमारे जीवन और साइकोलॉजी से जुड़े पांच मजेदार फैक्ट इस वीडियो में आप जानेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार नेगेटिव फीलिंग से बचने के लिए ज्यादातर लोग गाना सुनना पसंद करते हैं, जिससे पॉजिटिव फील करता है और तनाव भी दूर होता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, तो आप अपनी बात की शुरुआत में ऐसे कहें कि वैसे तो मैं आपको ये बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बता ही देता हूँ। इसे सुनते ही सामने वाला इंसान आपके बात को सुनने के लिए बेताब हो जाएगा। आपको शायद नहीं पता कि अगर आप उदास रहते हैं तो आपको ज्यादा नींद की जरूरत होती है। साइकोलॉजी कहता है खुश रहने वाले लोग कम सोने पर भी फ्रेश फील करते हैं। अगर कोई इंसान बिना गलती किए भी माफी मांगता है तो इसका मतलब है कि उस इंसान के लिए ईगो से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। और आप ये जानते ही है कि माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। माफी मांगने से दोस्ती और प्यार दोनों बढ़ते हैं। क्या आपको पता है ऐसे बहुत से इंसान हैं जो भीड़ को देखकर जेब में हाथ डालते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से बहुत शर्मीले माने जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार कि जिस व्यक्ति की लिखावट खराब होती है, दूसरे के मामले में वह बहुत होशियार होता है और उसकी सोचने की क्षमता काफी तेज होती है। मनोविज्ञान के अनुसार हम दूसरों की गलतियों पर ज्यादा गुस्सा करते हैं, और अगर वही गलती खुद करे तो हमें उसे सही लगता है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।